हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुक विद हेमा। तो गाइस, आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं अलसी के लड्डू। इसे फ्लैक्स सीड भी कहते हैं। ये मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। आप इसे किसी भी किराना स्टोर पर ले सकते हैं। और सर्दियों में तो हमें इसका खास करके प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि सर्दियों में हमारी बॉडी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ये अलसी हमारे वेट को कंट्रोल करता है, हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, कमर दर्द, जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, सभी चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ये हमारी बॉडी में वार्म बनाए रखता है, और जिन बच्चों का दिमाग तेज़ नहीं होता है उनका दिमाग भी तेज़ करता है। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। इसे बच्चे से लेके बड़े बूढ़े सभी लोग खा सकते हैं। तो ये अलसी हमारे लिए बहुत बेनिफिट देने वाला है। तो चलिए इसके लड्डू बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई चढ़ाएंगे गैस पर, और ये अलसी को हम उसमें डाल देंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे भून लेंगे। तो देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अलसी को कैसे भूना जाए। देखिए, अलसी भूनते भूनते थोड़ी सी कलर चेंज कर देती है। पहले थोड़ा लाइट कलर होता है, फिर थोड़ा सा डार्क हो जाता है, और इसमें चिट चिट की आवाज़ सी आने लगती है। हमें तब तक भूनना है। तो अगर अलसी हमारी अच्छे से भुनी नहीं होगी तो इसका स्वाद जो है कड़वा हो जाएगा, और जब हम लड्डू बनाएंगे तो वे कड़वे लगेंगे। तो इसलिए अलसी को अच्छे से भूनना बहुत ज़रूरी है। और देखिए, इसमें चिट चिट सी आवाज़ भी आने लगी है, आप सुन सकते हैं इसकी आवाज़ को, और इसका कलर भी थोड़ा डार्क हो गया है। तो बस जैसे ही चिट चिट सी आवाज़ आने लगे, उसके बाद आपको 1-2 मिनट तक और भूनना है। तो हमने देखिए 1-2 मिनट तक और भून लिया है, और अलसी को हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। और आपके लड्डू भी बहुत अच्छे बने जैसे हमारे बने हैं। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। और हाँ, चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। और इसी कढ़ाई में हमने 2-3 चम्मच घी डाला है। देसी घी है। आप जब भी लड्डू बनाएं तो देसी घी में ही बनाएं। और उसमें हमने लगभग 50 ग्राम बादाम डाल दिए हैं, और बादाम को भी मीडियम फ्लेम पर भून लेते हैं। जब कोई भी ड्राई फ्रूट हम तल के डालते हैं तो उसका जो स्वाद होता है वो बहुत अच्छा लगता है। तो बादाम भून गए हैं, इसी में हमने किशमिश डाल दी है। तो किशमिश हमने 25 ग्राम ली है। आप इसकी क्वांटिटी को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, और आप अपने मनपसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट की कोई भी क्वांटिटी नहीं है कि कम या ज़्यादा हम ले सकते हैं। और इसमें हमने 50 ग्राम के लगभग मखाना डाल दिए हैं, और घी भी आप इसमें जितना चाहें उतना डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर ज़्यादा डालना चाहते हैं तो आप मखाना भूनते समय घी को और डाल सकते हैं। और हमने उसी सेम कढ़ाई में 100 ग्राम डेसिकेटेड कोकोनट लिया है, उसको डाल के भी भून लेते हैं। इसको भून लेने से जो इसमें नमी होगी वो निकल जाएगी, और इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो देखिए, इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगी है, और हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है। तो बस हम इसको भी निकाल लें। अब इसमें हमने 5-6 चम्मच घी और डाल दिया है, और ये पूरे लड्डू बनाने में हमने अभी तक 150 ग्राम घी का यूज़ किया है। इसमें हमने 2 कटोरी आटा डाल दिया है। आटा की क्वांटिटी को भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन लड्डू में ज़्यादा आटा ना डालें। ज़्यादा आटा डाल देंगे तो आटे का स्वाद ज़्यादा आने लगेगा, अलसी का स्वाद कम आएगा। आटा हमने इसलिए डाला है कि जो अलसी के जो लड्डू हम बनाने जा रहे हैं उसमें अच्छी सी बाइंडिंग आ जाए, और उसका टेस्ट भी और अच्छा हो जाए। तो आटा को भी हमें मीडियम फ्लेम पर भूनना है, और जब तक इसमें अच्छी सी खुशबू नहीं आ जाती, अच्छा सा कलर नहीं आ जाता, हम इसको भूनते हैं। तो आटा भी देखिए भून गया है, तो इसको भी हम निकाल लेते हैं। जो लोग वीडियो को देख रहे हैं अभी तक उस पर रुके हुए हैं तो प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिए। अब अलसी ठंडी हो गई है, मखाना भी ठंडे हो गए हैं। तो अब मिक्सी के जार में डाल के इसको हम ग्राइंड कर लेंगे, और इसका एक हम पाउडर बना लेंगे। तो ये देखिए, हमने इसका पाउडर बना लिया है। तो आप इसका चाहें तो फाइन बना सकते हैं पाउडर, चाहें तो हल्का सा दरदरा बना सकते हैं। हमने हल्का सा दरदरा बनाया है। हमने अलसी का पाउडर भी बना लिया, और मखाना को भी हल्का सा दरदरा पीस लिया। और जितना भी सामान हमने ड्राई फ्रूट और आटा सब भूना है, सारी चीज़ें हम एक बड़े बर्तन में डाल देते हैं, और सारी चीज़ें अच्छे से मिला देंगे। और हमने फिर से सेम कढ़ाई चढ़ाई है, और उसमें हमने क्रश करके 600 ग्राम गुड़ डाल दिया है, और 1/4 कप पानी डाल दिया है। और गुड़ को हम इसमें पिघलने देते हैं, और इसकी चाशनी बनने देते हैं। गैस की फ्लेम इसमें मीडियम है,
और मीडियम फ्लेम पे ही देखिए हमने गुड़ को गला लिया है और इसमें एक अच्छा सा बॉयल आने लगा है। तो बस हमें चाशनी ऐसी ही बनानी है, जैसे ही इसमें इस तरीके से देखिए बॉयल आने लगे बस हमें गैस की फ्लेम बंद कर देनी है। ये इस समय एक तार की चाशनी है और एक स्टेनर रख के हम सारी चाशनी को इस मटेरियल में डाल देंगे। अगर आपके पास कोई है हेल्प के लिए तो आप उससे भी ये काम करवा सकते हैं। सारी चाशनी को छान के डाल दिया और देखिए कितना इसमें इम्प्योरिटी थी तो वो सब निकल गई है। कंकड़ और जो भी कुछ होता है इस तरह से छानने से निकल जाता है और हमारे जो लड्डू हैं वो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छे बनते हैं, बिल्कुल भी इसमें कंकड़ या कोई चीज़ मुंह में नहीं आती है। अब चाशनी को हमें फटाफट सारे मिक्सचर में अच्छे से मिक्स कर देना है और मिक्स कर देने के बाद जब हल्की सी ठंडी हो गई है तो हम इसको हाथ से ऐसे मिलाएंगे। हाथ से मिलाने पे इसमें बहुत सी अच्छी सी बाइंडिंग आ जाती है और चाशनी अच्छे से मिल जाती है। तो इस तरीके से हाथ से मसलते हुए आप सारी चाशनी को अच्छे से मिला दीजिए। और देखिए हमने चाशनी को अच्छे से मिला दिया है और ऐसे दबा के रख दिया है। दबा के रख देने से जो इसमें गर्मी है वो बनी रहेगी, यानी कि जो चाशनी की गर्माहट है वो बनी रहेगी और लड्डू बनाने में हमें आसानी होगी। हमने हाथों को साफ कर लिया है और हाथों में घी लगा करके थोड़ा सा मिश्रण ले करके हम इस तरीके से हाथ से दबाते हुए लड्डू बना लेंगे। और देखिए ना ये कितना बढ़िया लड्डू बन करके तैयार हुआ है, देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये लड्डू हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, तो आप इस सर्दियों में इस लड्डू को ज़रूर बनाइए। तो इस तरीके से आप दोनों हाथों से भी बना सकते हैं। अगर आपके पास कोई नहीं है तो आप दोनों हाथों में मिश्रण ले करके इस तरह से लड्डू एक साथ दो दो लड्डू भी बना सकते हैं। अगर कोई है तो आप उसकी हेल्प ले लीजिए, क्योंकि ये काम हमें फटाफट करना होता है, नहीं तो लड्डू बांधने में थोड़ी दिक्कत आती है। और देखिए हमने सारे लड्डुओं को बना लिया है और इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में करके रख दीजिए और आपके लड्डू महीनों ख़राब नहीं होंगे और आप पर डे इन लड्डुओं को खाइए। तो आप इस सर्दियों में इस लड्डू को ज़रूर बनाइए क्योंकि ये हज़ार फायदे वाले लड्डू हैं। और देखिए तोड़ने के बाद भी इसका टेक्सचर कितना अच्छा आया है, कितने बढ़िया ये लड्डू बने हुए हैं। तो आप इस सर्दियों में अपने घर में इन लड्डुओं को ज़रूर बनाइए। अगर गाइस रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, फीडबैक आप ज़रूर दीजिए। और नहीं पसंद आया है तो इसमें क्या नहीं पसंद आया है, क्योंकि आपके फीडबैक देने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, क्या कमी है क्या अच्छाई है हमको सब पता चलता है। तो प्लीज़ आप अपना फीडबैक हमको ज़रूर दीजिए। और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए, पास में बनी हुई बेल आइकन को भी पुश कर दीजिए जिससे आने वाले नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और रेसिपी पसंद आई है तो अपने दोस्तों को अपने परिवार में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए ईट हेल्दी थिंक हेल्दी।